न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रयागराज कुंभ में लगे टेंट में आग पर सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के दिए कड़े निर्देश। सीएम योगी की हत्या की फर्जी प्लानिंग की सूचना देने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया खुलासा, कहा फोन करने वाले ने अपने विरोधी को फंसाने की रची थी साजिश। ओडीओपी कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा प्रदेश में उद्योग के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध करा रही है सरकार। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत 12 जनपदों के 20,427 उद्यमियों एवं हस्तशिल्पियों को सीएम योगी ने किया 2128 करोड़ का ऋण का वितरण। सीएम योगी ने कहा विश्वकर्मा समग्र विकास योजना के तहत परंपरागत उद्योगों को दिया जाएगा बढ़ावा, लोगों को बनाया जाएगा स्वावलंबी। खिचड़ी मेले की पूरी हुई अंतिम तैयारी, सुरक्षा के हैं पुख्ते इंतजाम, एनडीआरएफ की टीम भी है मुस्तैद, मंदिर के व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी ने दी जानकारी। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, योजना को जन जन तक पहुंचाने की अपील। रोजगार मेला एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वितरित किया 10 युवाओं को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र, लगभग 5800 को वितरित हुआ नियुक्ति पत्र, कहा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, हमारी सोच बनाती है काम को छोटा या बड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्टिलाइजर एवं चिलवा ताल का निरीक्षण कर फर्टिलाइजर निर्माण के कार्यों की प्रगति के लिए जानकारी दिए, कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा ODOP के माध्यम से सरकार दे रही है परंपरागत उद्योग को बढ़ावा। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा मंत्री चेतन चौहान ने कहा इस वर्ष 2,00,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है सरकार का लक्ष्य। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के तहत लगाए गए टेराकोटा और शिल्प प्रदर्शनी का प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फीता काट कर किया विधिवत शुभारंभ। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन सचिव भुवनेश्वर कुमार ने कहा ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से टेराकोटा को मिल रहा है विस्तृत मार्केट। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के रविंद्र नायक ने कहा टेराकोटा के विस्तार के लिए उपलब्ध कराया गया है 1288 करोड़ का ऋण। अग्रवाल महिला मंडल ने क्विज और नृत्य के माध्यम से मनाया माघ महोत्सव। और गंगोत्री देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ समापन।